गाइस अभी अभी मैं बहुत बड़े एक हादसे से अल्लाह का शुक्र है बच गया। गाड़ी अचानक पंचर हुई हुई थी तो मैं सोचा आगे जाके थोड़ा पेट्रोल भरा लूँ, तो मैं सोचा कि आगे जाके हवा भरवा लूँगा। फिर इतनी रात में, रात के कुछ 11 बज रहे और कोई मैकेनिक वैकेनिक है नहीं, तो मैं सोचा था भरवा लूँगा आगे जाके हवा, फिर घर पहुँच जाऊँगा। मैं कहीं चेंबूर वेंबूर में फंस गया हूँ और ये देखो टायर का हाल देखो। तो गाड़ी में एक स्टेपनी रखी हुई है, सोच रहा हूँ खुद से लगा के देखूँ लेकिन पता नहीं, आता तो है नहीं मेरे को लगाने। सो गाइज अभी अपरेश का कॉल आया है, उसका रास्ते में टायर फट गया है तो मैं भी जा रहा हूँ चेंबूर में देखने क्या हुआ। फास्ट मुंह हाथ धो के निकलता हूँ। गाइज मैंने थोड़ा टायर को ऐसा मतलब ढीला किया हूँ। मैंने अपने भाई से अभी कॉल लगा के पूछा, एक है हमारे बड़े भाई है कज़न, तो मैंने अपने एक भाई से फ़ोन लगा के पूछा वो क्या करने का, तो वो बोले पहले नट ढीला कर उसके बाद फिर गाड़ी उठाना। तो उसके बाद अभी देखो गाड़ी उठाने के लिए ये भी लगा दिया हूँ, और मैंने मैकेनिक को भी फ़ोन किया हूँ जो 24 आवर्स गूगल से नंबर निकाल के, देखो वो कब तक आता है। तो अभी शोएब भी आ रहा है तो, और मैंने एक मैकेनिक को भी कॉल कर लिया हूँ कि भाई आके कर दो, तो वो बोले कि भाई आ रहा हूँ मैं रस्ते में हूँ, देखो वो कितनी देर में आते हैं। मैं सोचा मैं अपने हाथ से ना करूँ, कोई एक्सपर्ट से ही करवाओ, क्योंकि अगर मेरे हाथ से इधर उधर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मसले हो जाएंगे और फिर डर रहेगा एक्सीडेंट होने का, इस वजह से रुकता हूँ थोड़ी देर। और अभी अभी मेरी वापस से मैकेनिक से बात हुई, मैकेनिक ने बोला कि एक टायर चेंज करने का वो ले रहा है 1100 रुपया। मेरे को समझ में नहीं रहा 1100 रुपया एक टायर चेंज करने का, बाप रे बाप। हाँ तो बस मैं यही सोच रहा हूँ कि जान से ज़्यादा बढ़ के तो है नहीं, क्यों रिक्स लेने का, बुला लिया मैंने उसको। और गाइस यहाँ पे भी इतनी खाली रोड पे, गाइस इतनी खाली रोड पे भी मतलब सब्सक्राइबर लोग आए मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच जो लोग आए थे यहाँ पे मिलने के लिए। हाँ बस वेट करता हूँ जैसी बन जाएगी फिर निकलेंगे। सो गाइस बहुत दूर से क्या शोएब इन लोग का घर इधर ही पास में ही था, अमन और शोएब आ गए हैं। बिल्डिंग में रहते ना दोस्ती के मोहब्बत में, रॉन्ग में आया हूँ मैं इतना लंबे से। तो गाइस इन लोग आ तो गए हैं लेकिन इन लोग भी हेल्प नहीं कर सकते, इन लोग बस मेरा साथ हौसला अफजाई करने के लिए है। क्या हेल्प करेंगे इसमें, टायर का हाल देख क्या हो रहा है, नवा निकाला है ना, हाँ तो निकाल के तो रखा हूँ, सब आते हैं बनाने, टेंशन मत ले जो होएगा देखा जाएगा। तो अब मैकेनिक को बुलाया हूँ मैंने, बोला हेल्पलाइन नंबर रहेगी। हो गाइस अभी अपरेश का फोन आया, बोला शोएब लोग आ चुके हैं तो तू इतनी दूर से मत आ, तो मैं नीचे उतर ही गया हूँ। तो सोच रहा हूँ कि मिसबा का भी ऑपरेशन हुआ है, जाके उसको भी देख लेता हूँ क्या हुआ है उसको। दिशान है नहीं साथ में, दिशान है घर पे और मैं निकला था थोड़ा काम से। और ये देखो शोएब भाई मैकेनिक बन रहे, लग रहा है अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी जो भी है करके अभी फिर निकलते हैं। इतना सी है ये, इतना सी नहीं है ये, इतना सी है ये, तो छोटा रहता है, ये घुमाने वाला चाहिए ना, बड़ा सा इतना ही बड़ा है अपने पास, जेड टाइप का रहता है ये, थोड़ी है ऐसा हैंडल है, जेड टाइप का रहता है। तो देख डिग्गी में चेक कर तू, देखो ज्यादा समझ में आएगा। तो तू किससे लगा है बे, मैं स्टोरी डाल रहा था। देखो यहाँ हम लोग तकलीफ में, तू स्टोरी डाल रहे। तो गाइस अभी तक मैकेनिक तो आया नहीं है, हम लोग थोड़ी गाड़ी उठाने की कोशिश किए, दो भाई लोग हैं, उन लोग ने पहले गाड़ी उठाने में मदद की है, उसके बाद मैंने किया, उसके बाद अभी अमन कर रहा है, मेरे टाइम पे वीडियो निकालने नहीं हुआ। हाँ उठ गए अमन, उठ गई गाइस, फाइनली पूरा कर ही दिया हम लोग ने। मैकेनिक को बुला रहे, वो तो क्या पता कहाँ कलीना वलीना में कहाँ पे फंसा हुआ है, आ रही नहीं अभी तक, आए नहीं वीडियो निकाले तो फिर फास्ट हो गया ये। भले से अपरेश टायर खोल रहा है मगर फिट तो मैं ही करूँगा ना, ढीला कर रहा, ये वो कर रहा, पूरी मेहनत में सब क्रेडिट, अब सब क्रेडिट ये हम लोगों को करने की। गाइस हम लोगों को कहाँ से वो जोश आया मालूम, वो पीछे दो जन खड़े ना उन लोग की वजह से। हाँ भाई नहीं तो हम लोग तो चले ही जाते थे, ऐसी रुके थे, इन लोगों को भी बता देता हूँ ये दोनों थे। थैंक यू भाई मदद करने के लिए रास्ते में। अरे देखो अपरेश को देखो, पूरा मैकेनिक हो गया है, इतना खोलने का पूछता क्या करने का, पूरा खोले हम लोग, थोड़ा सा खोला और उसके बाद इतना बोल रहे हैं, मेहनत करते हुए अपरेश।
तो गाइस टायर निकल गया फाइनली, इसकी हालत देखो, ठीक है पूरा टायर फटी है, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं है। देख क्या हालत हुई, पड़ी टायर फटी है यहाँ पे। शोएब भाई जबरदस्ती की मेहनत कर रहे हैं, शोएब भाई खाली स्क्रू टाइट करने आए, तू स्क्रू टाइट कर रहे हैं, टायर उठा सही मेरे को पता चला टायर हलवा नहीं है, तू स्क्रू टाइट कर रहा है, उठ रहे थी टायर लादी का, मैं जिम जाता हूँ भाई। भाई बोले भाई भी जाते हैं, भाई लगाने बोल रहे हो। थैंक यू थैंक यू मैकेनिक, वो लगाएंगे ना अब, वो रहने दे वो बाद में लगा देंगे, इजी फिट कर दे, हां इजी फिट कर दे अभी के लिए। शिव भाई थैंक यू, मैकेनिक को एडवांस मार दिया हूँ, उसका काम तो हम लोग ही कर दिए, बस टाइट बस सही से हो जाए, सुकून से घर पे पहुँच जाए। जाने दे तू हम लोग को, जितना मैकेनिक को मारा हम लोग को खिला देना कुछ हाईवे पे। अरे बस क्या बच्ची बढ़ के क्या तुम लोग से, हाईवे पे नहीं खिलाएगा वो मैकडी लेके जाएगा। अरे मैकडी रात में बंद हो गया, 12:30 बज रहे सब चालू रहते इधर। अरे अपने इधर वो बर्गर की शॉप खुली वहाँ से खाएगा क्या लजीज, अच्छे से टाइट कर रहे। तो गाइस किसी का भी टायर पंचर होता है कहीं पे भी, कॉल अस, मेरे को बुलाओ और श्वेप को बुलाओ, जब तक हम लोग नहीं आए थे ये कुछ भी नहीं कर रहा था, खड़ा था खाली, हम लोग के आने के बाद सब कुछ चालू हुआ है। हाँ हाँ पूरा झुक गया है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, बस थोड़ा ही बाकी है वो ये करके फिर निकलेंगे, सुकून की सांस आ रही है। वो जो एडवांस मार दिया वो तो चले ही गए, बेइज्जती हो गया। ओहो शोएब भाई, अरे बाप रे बाप। तो गाइस टायर फिक्स हो गया है, ये देखो हम लोग ने ही कर दिए है, मैकेनिक को आने से रहा, मैकेनिक को भी मैंने फोन करके मना कर रहा था लेकिन वो अभी फोन नहीं उठा रहा है, पसीना देख रहे हो, तो अभी उसको बोल दूंगा। हाँ ये इसको भी देखो खाली रोड पे, गाइस बहुत ज्यादा मेरे को टेंशन हो गया था कि करेंगे क्या, लेकिन इन लोग दोनों आ गए ना तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। तो चलो फिर निकले ट्राई करें। इधर घुमा, मेरा 11 बजे पबजी का मैच था, मैं पबजी का मैच छोड़ के आया हूं, मैं जिम जाने वाला था। हां वाह भाई, वो तो बोले हम साथ हैं। चलो ट्राई करते चल रहा चला के, शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, हां भाई। सो गाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चला के देखते हैं, चलो भाई। तो गाइस ऐसे अच्छे लोग भी हैं दुनिया में जो बहुत हेल्प करते हैं। हाँ अल्लाह तेरा शुक्र है, गाड़ी तो चलने लगी, हाँ अभी अच्छा लग रहा है। शोएब और अमन आगे चल रहे हैं, वो लोग बाइक पे आए थे तो बाइक पे ही है, और मैं कार में आया था तो फिर बस निकल रहे हैं। हाँ अल्लाह कितना सुकून मिल रहा है, तो गाइस इन लोग ने पार्टी आखिरकार ले ही लिए, ये देखो ऑर्डर कर रहे हैं अभी लोग, क्या हुआ खुश, अब आएगा खुश, क्यों ए खिलाने खुश हो रहा है, बोल रहे खुश, क्या तुम लोग नहीं बोले थे बर्गर खिलाने, बोले ना खाली अभी ये कार्यक्रम मुझे तो भी है ना, इससे एक थम्सअप की बॉटल है, स्प्राइट की बॉटल है ना, लिंबू निचोड़ पुदीना डाल मुझे तो बन जाएगा, अरे काम करना तब पका के तू निचोड़ के पिला दे यार, तो तू है ना, ठीक है चलो गाइस हम लोग का बर्गर आ गया है, आओ आप भी खा लो, खत्म भी होने आया, अबे पूरा पूरा बर्गर अब आगे खत्म होने आया बोल रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की सांस ली, अभी जाता हूँ घर। मिसबा तबीयत कैसी है अभी तुम्हारी, मैं इतनी दूर से तुमसे मिलना है। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है गाइस, देखो मुझे तो तुम्हारा तो ऑपरेशन था ना, नहीं गाइस मुझे आईवी लगी थी, मुझे थोड़ी सी, अच्छा ये आईवी क्या होते जन क्या हो क्या ग्लूकोज इंजेक्शन वाले, हां और यहां आंटी भी आ चुकी है, आंटी कैसे हो, बस ठीक हूं, ग्लूकोज विटामिन डी सब 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 है मेरे अंदर। और गाइस आंटी हम लोग के साथ मिल ही नहीं पाते क्योंकि हम लोग जब आंटी यहां आते तब हम लोग नहीं रहते, जब हम लोग रहते तब आंटी नहीं रहते, इससे हम लोग से मिलने बाते बहुत, फिर वही लोग बोलते कि आंटी लोग जिशान लोग से मिलते नहीं, बोले ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है, आंटी आते तो हम लोगों को खुशी होती, बहुत मजा भी आता है आंटी से मिलने के लिए। और ये देखो मैं पहली बार व्लॉग ले रहा हूं, उसको तो बहुत अच्छी आ रही है, इसके लिए असली बड़ी शान से अच्छी तो व्लॉगिंग एडिट करता है। अभी 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 पहला 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 पहला
पहला है गाइस, ऐसी मस्ती मजाक होती है और उसका हकलापन आ जाएगा, तो आप लोग इसकी आदत डाल लो। निशान सुनो, सुनो बताओ। बाय, हम लोग नया निकाले। इस मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, किसी को चाहिए? नहीं, मैं बनाने जा रहा हूँ अभी फिलहाल। दामाद ने बोला है कि भाई सबसे पूछ लो, तुम आके यार चढ़ा देना। बोला ओके ओके कॉफी। आंटी आप क्या पियोगे? सुफियान भाई क्या बना रहा है? सुफियान भाई अभी बोले कुछ भी नहीं, तू पूछ के आ पहले, फिर बनाएंगे। सुफियान हम लोग से पूछ के गया चाय बनाने के लिए। अच्छा चाय बना रहा है अंकल। आपको अंकल आप क्या नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं चाहिए भाई। तो गाइस मैं इन लोग को जो जो कुछ भी नहीं चाहिए बोला, उनको संतरा छील के दे दूंगा। क्या मिर्ची नमक लाओ। ओके सुफियान भाई, आप पहले ही चाय चढ़ा दिए है। देखिए गाइस मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, तुम बाहर जाकर सबको यही तो बोल के मैं चढ़ाने वाला हूँ। लेकिन उन लोगों को पता चल गया ना। अच्छा, कि तुमने चढ़ा दिए, अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ संतरे छिलने। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे को सिखाया तो चाय बनाते कैसे बता दो। तुम्हारे को आगे भी काम आना चाहिए, यू नो, आफ्टर मैरिज किसी को भी काम आ सकता है, यू नो, जिंदगी में कभी ना कभी शादी करना पड़ेगा। जिंदगी में एक अगर मेरी वाली चाय नहीं पीती रहेगी तो तुमको उसके घर वालों को पिलाने काम आएगा। उसके घर वाले नहीं पीते रहेगी तो अरे कोई ना कोई तो पीता ही रहेगा। ऐसा कोई घर नहीं जाओ चाय तुम्हारे घर पीते। चाय पीते मेरे घर में? मेरे घर में मम्मी डैडी पीते ना। होगा ना कोई ना कोई, तुम नहीं पीते, अभ्रेश नहीं पीते। चलो कोई नहीं, अपने सास ससुर को ही चाय पिला। फिर किसी ना किसी को तो जिंदगी में देखो शादी बात किसी ना किसी को खुश करना ही पड़ता है, समझ रहे? एक शादीशुदा आदमी से तुम सीख लो आने वाले 3-4 साल 5 साल। समझ रहा हूँ कितना काम करना पड़ता है। अरसलान को भी यही सीख देता हूँ, समझ रहे? सो गाइस ये लो आप लोग के लिए संतरा रेडी है। कैसा लगा मेरे हाथ का संतरा बताओ, खा के जल्दी। खाओ जल्दी, सबके हाथ का लेने का मेरे को टेस्ट। खा के बताओ, खा के बताओ कैसा है टेस्ट। संतरा तो रेडी है। अरे लेकिन मेरे हाथ का है ना, मेरे हाथ का है, धोके और वो भी छिला हुआ है, कचरा ऊपर का धोया मैंने, कचरा भी धोया। मिर्ची नमक तो टेस्ट कैसा है वो बताओ। वो एक ऊपर नमक का टेस्ट नहीं आया, पसीना टपका आया। अरे ये नहीं बताना था, बताओ। रोज आ जाओ ना जरा मेरे लिए छीनने के लिए। 1,00,000 रुपए सैलरी दे दो, रोज आ जाऊंगा। सीख लो ना इससे। ये लो 1,00,000 जरूर दूंगा मैं। ये लो तुम्हारे लिए। गाइस आज ताजा ताजा खबर मिली है कि संतरा के ऊपर चाय नहीं पी सकते। गाइस कैसा देखो, ये औरत चिल्ला रही अपने पति को फेंकने के लिए। गाइस यही गाइस अगर आपको नहीं पता है तो आज सीख लो संतरे के ऊपर चाय मत।